बिल्कुल। आपका इंस्टा में अब इसका फोटो ले लो, इस पर आपको सब मिल जाएगा, इंस्टा यूट्यूब सब मिल जाएगा इसके अंदर आपको। भाई साहब अंकल ने टोका, वीडियो मत बनाओ यहाँ पर। एक चीज नोटिस करने वाली, इसकी MRP लिखी हुई ₹110, 110 रुपये, जो मेरी है 30 रुपये की। इन बच्चों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई, तो चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। और वीडियो सारी देखना ठीक है, कंफर्म सब्सक्राइब करना। चलते हैं गेरोड पर चाय पीने, चलो आज देखता हूँ तुम्हारा कमेंट आता ही नहीं आता। ठीक है चलो बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद जैद के एक और नए एपिसोड के अंदर। ये अपना day 4 है ऑल इंडिया राइड का, तो आज हम वडोदरा के अंदर, वडोदरा में लगाएंगे अपना तीसरा प्लांट। चाय आ रही है, चाय पीते हैं, फैसला होते हैं, उसके बाद निकलते हैं प्लांटिंग के लिए और फिर एक्सप्लोर करते हैं वडोदरा को, कि वडोदरा के अंदर क्या क्या है और घूमने लायक। भाई साहब ऐसे कुछ हो रखी है अपनी धनों की हालत, तो मिट्टी भी सूख गई यार। हाथ में वैसे भी लेके नहीं आया ग्लव्स। चलो चलते हैं, आज ज़रूरत नहीं रहेगी पेट्रोल की, क्योंकि कल इतना हो गया था कि सफिशिएंट था। तो चलते हैं यहाँ से, अब पहले सयाजी बाग, उसके बाद का प्लांट लेने का है। पहले बाग जाते हैं, उनसे बात करते हैं। सयाजी बाग क्या है, यहाँ का एक फेमस गार्डन है इसलिए। तो चलते हैं सयाजी बाग। अरे गड्ढे में गाड़ी घुसना जाए यार। चलते हैं, देखें चुके हैं सयाजी बाग के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर अपन को प्लांटेशन की परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, पता करते हैं, देखें एक बार। सब हो चुकी इनसे बात, अब प्लांट लेकर आते हैं, उसके बाद लगाते हैं प्लांट यहाँ पर। वो कह रहे हैं बरगद का तो मत लगाओ, तो देखते हैं कौन सा लगाते हैं, कौन सा सूटेबल रहेगा मत लगाने लायक। फॉर श्योर आई लेट यू नो कि कौन सा कैसा पौधा लगाना चाहिए सही रहेगा यहाँ पर। लो चले हम अब तो पौधे को लेने, लो चले हम। देख रहे हैं विद्या का पौधा, कौन सा वाला, ये छोटा है, इसको बढ़ने में कितना टाइम लगेगा ऑलमोस्ट? जंगल में बहुत जल्दी बड़ा होगा। ठीक है तो फिर यही कर दो एक। अरे अपन ने पौधा, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कोटा से हूँ, कोटा कोटा राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया बिल्कुल। अब इसका फोटो ले लो, इस पर आपको सब मिल जाएगा, इंस्टा यूट्यूब सब मिल जाएगा इसके अंदर आपको। ये पूरा का पूरा प्लेट है। अच्छा ले लो ले लो। अभी मैं प्लांटिंग करने जा रहा हूँ इधर सयाजी बाग के अंदर, पौधा लगाने जा रहा हूँ। अपना मिशन है ग्रीन इंडिया बाइक राइड, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एक प्लांट करेंगे। तो बस सबसे, हाँ बस आप सभी से भी यही है कि यार जहाँ जहाँ जाओ एक प्लांट करो और क्या, क्योंकि जितना हरा रहे इंडिया उतना भरा रहे इंडिया, वो अरे याद है। चलिए बॉस चलते हैं, थैंक यू सो मच। भाई साहब ऐसे भी लवर्स मिलते हैं यार, सीरियसली यार, थैंक यू बॉस। ओके ओके ओके, ये देखो वडोदरा की सड़कें। मैं तो कैमरा ऑफ करने वाला था, भाई मिल गए। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाएं कि ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एकदम सपोर्ट करते हैं, प्यार से दिखाते हैं उनका लव, ये वाली बात है।
भाई साहब हो चुकी है यहाँ बातचीत। अब देखते हैं जहाँ पर विद्या का स्पॉट खाली होगा एकदम लाइन से सिमेट्रिकल जहाँ लगा होता है वहाँ पर विद्या का पौधा लगाएंगे। चलते हैं बाइक लेकर अंदर। गाड़ी अपनी बाघ में जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं बाकी ये ऐसे ही अजी बाघ। चलते हैं अंदर। तो गाइस जैसे किस लोकेशन है यहाँ पर विद्या का पौधा लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा गार्डन ही गार्डन एरिया है तो यहाँ पर एकदम जंगल के एरिया में बढ़िया पनपे गए पौधा है। ये भैया और इन सबके सपोर्ट से अपना एक और तीसरा प्लांट लग चुका है। अगर इन सबके साथ चलते हैं यहाँ से और अपना जो भी अगला स्पॉट रहेगा इन सर की दुआओं से सभी के सपोर्ट से अपन चौथा पौधा लगाने की उसमें रहेंगे राह में। तो बस थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर एक बाग के अंदर एक म्यूजियम है सियाजी राव जी महाराज के ऊपर, ठीक है, उसमें उनकी जो भी चीज़ें हैं वो रखी हुई है। और जिस सर ने अपन को प्लांट लगाने में हेल्प किया था वही अपने साथ जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ की और फॉर श्योर आपको दिखाते हैं। अच्छा ये म्यूजियम म्यूजियम ये बड़ा है म्यूजियम पिक्चर गैलरी शो टाइमिंग तो भाई साहब सबसे पहले तो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या क्या है। तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा बिकॉज देखो हर चीज़ की एक प्राइवेसी होती है। आप आओ तो आपको आपकी आंखों से और चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ दो तीन शॉट्स दिखाता हूँ, चार पाँच शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चीज़ें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि देखो सबकी अपनी प्राइवेसी है, म्यूज़ियम की अपनी प्राइवेसी है। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझना और प्लीज़ इस चीज़ का बुरा ना मानकर अपनी वीडियोज़ को आगे जाके देखते रहना यार, ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखो आप भी समझते हो कि हर जगह की एक थोड़ी सी हिडन चीज़ें होती है जो अपन कैमरे के अंदर नहीं दिखा सकते, तो प्लीज़ यार। और ये सब जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना ये कुछ मतलब सेल्फ अपनी फैमिली के लिए है क्योंकि आप सभी ये देखो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप भी फैमिली की तरह ही हो। तो वैसे आप सभी के हिसाब से यार मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली है ताकि मैं हमेशा सजो कर रख सकूँ, देख सकूँ इनको बाद में भी, तो बस इसलिए यार। भाई साहब हो चुका है यहाँ से अपना सियाजी राव म्यूज़ियम से। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर यार, फिशेस गैलरी अलग और छोटी छोटी चीज़ें लाइक चाइना का आइटम, जापानीज़ आइटम, बहुत सारी चीज़ें थी आई लाइक दैट। और बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, अपनी बाइक उठाते हैं, ठीक है। भाई साहब अंकल ने टोका वीडियो बनाओ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट मैंने जितना हुआ उतना कैप्चर कर लिया है। अब चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर। और ये पूरा का पूरा म्यूजियम है यार, देख सकते हो। एंजॉय करो यार वडोदरा की सड़कों को, यहाँ मुझे थोड़ा ठीक लगा माहौल, ठीक है। लोग कामली बात कर रहे हैं, लोग सपोर्टिव हैं, ठीक है, लोग अप्रोच कर रहे हैं आके। शायद मैंने कल यहाँ पे ही चाय पी थी, हाँ आज नहीं है भाई। अच्छा तो हम चलते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस को, 1.7 किलोमीटर। ये गुजरात की शायद लोकल बस है, मतलब जो नहीं वो है जो ब्लू वाली बस है वो है यहाँ की गवर्नमेंट बस। ओके भूख लग रही है यार, अब अरे चलते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। जो रास्ता लेकिन बहुत जल्दी फ्री हो गया, प्लान कर रहा हूँ निकल जाऊँ यहीं से अभी दमन, देखता हूँ सोचता हूँ क्या करना है। अगर जल्दी फ्री हो गया तो सीरियसली मैं निकल जाऊँगा,
लेकिन एक दिन का स्टे है ना, एक नाइट का स्टे लिया हुआ है मैंने। चलो कोई बात नहीं, आराम कर लेंगे और क्या, सो जाएंगे। ये तो है नहीं डेली डेली ट्रैवल करते रहें अपन, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या, मैं दो दिन के लिए बुक करता हूँ एक साथ, थोड़ा सा 200-300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। अब 200-300 रुपये अगर 70-80-90 दिन तक चलते रहेंगे तो बढ़िया है ना अपने लिए, तो बस ऐसा ही कुछ है। तो ये है एंट्रेंस लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी विलास प्लस यही है एंट्री है ना, जो यही एंट्री है ना, ठीक है, राइट साइड पार्किंग है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो गाइज ये है लक्ष्मी विलास पैलेस। ओ हो गाइज, आपको बताऊं लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में, तो ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने 1890 में बनवाया था, और यह महल अपने समय का सबसे बड़ा और भव्य महल माना जाता है। इसमें यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। महल में एक संग्रहालय भी है जिसमें गायकवाड़ परिवार की ऐतिहासिक वस्तुएं और चित्र दिखाए जाते हैं। बट एक्चुअली यार मसला ये है कि वहाँ पर आसपास के बगीचों में ना गोल्फ कोर्स भी बने हुए हैं, लेकिन बस एक दिक्कत है, कैमरा अलाउड नहीं है। बाकी देखते हैं, कुछ कुछ सीन्स होंगे तो फॉर श्योर आपको दिखाता हूँ यार, बाकी जब तक गाड़ी पार्किंग पर लगाते हैं। तो ये है इसके टिकट प्राइसिंग स्क्रीनशॉट, और पढ़ लो, बाकी आप ऑनलाइन भी इसके थ्रू बुक कर सकते हो यार। तो भाई साहब ले लिया है टिकट, 375 का कॉम्बो लिया है, पैलेस भी देख लेंगे, म्यूजियम भी देख लेंगे, ठीक है, और देखते हैं बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये है एंट्रेंस पैलेस, ठीक है, बैक एंड फॉरवर्ड है, प्ले करके जाना है, दो नंबर लेफ्ट साइड, तीन नंबर नंबर बॉल फॉलो करना है, कि प्ले करोगे चालू हो जाएगा, प्ले करोगे अच्छा, बंद हो जाएगा, रिपीट करना है बैक फॉरवर्ड, ठीक है, प्ले करना है। थैंक यू। गुजराती के हिंदी फिर आई गॉट द ऑडियो गाइड की कैसा क्या है, एक बार देखते हैं यहाँ पर। ये लक्ष्मी विलास पैलेस है, ठीक है, ऑडियो गाइड लिया है, सुनते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ का। गोल्फ कोर्स, पूरा गोल्फ कोर्स है। ऐसा कुछ है ये लक्ष्मी विलास पैलेस, चलते हैं मंदिर क्या है। और सो गाइस, जैसा बता चुका हूँ मैं, अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, तो आप देख सकते हो मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, बाकी नज़ारे देखे होंगे आपने, कुछ कुछ मैंने दिखा है। ये देखो आप, पूरा वॉल देखो यार, मतलब ऊपर का रूफ और ये इसकी दोनों बड़ी आउटसाइड से चारों दीवारें किस तरह की लग रही है, बहुत बेहतरीन यार। इज द प्लेस, ये महाराजा का पैलेस, यहाँ बैठ कर अपन समोसा और नींबू पानी पी रहे हैं। ये है पंजाबी समोसा, बढ़िया, ये बढ़िया है, फ्रेशनेस आ जाएगी तो बीघा भी, बस खाते हैं पीते, फिर म्यूजियम चेक करते हैं, पहले चेक कर लिया अपन ने, अब चेक करते हैं म्यूजियम। एक्चुअली क्या है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आपको पता है यार ऐसी बड़ी बड़ी जगह पर ऐसा होता है, तो बस जो जो दिखता रहेगा, जो दिखा सकता हूँ वो दिखाता रहूँगा, बाकी आप आओ तभी मज़ा आएगा इस चीज़ का यार। हो गया म्यूजियम से, तो मतलब पैलेस से, तो अब पैलेस के बाद देखते हैं म्यूजियम में चलते हैं, म्यूजियम का क्या सीन है। और शेर लेट यू नो, ये देखो भाई साहब बारह सिंह का, दो दो बारह सिंह खड़े हुए हैं पहले से ही, मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे। ये किसी एम्परर का था, जो उसकी जैसे 6 फीट की दीवार बनी थी ना, उस टाइम उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद सयाजी जो महाराज थे, ठीक है, उनके उसके बाद से ये चीज़ उन्होंने खुद ने बनवाई थी। करने वाली, इसकी MRP लिखी हुई है 110 रुपये, जो मेरी है 30 रुपये की, पता नहीं 110 क्यों लिखी हुई है इसमें। आवा जो मिनरल न्यूट्रल नेचुरल अल्कलाइन वाटर, थैंक यू सो मच, पता नहीं 30 में क्यों दी, ठीक है। बाकी चलते हैं गेट नंबर 3 के यहाँ, और वहाँ से एंटर करेंगे म्यूजियम के अंदर। तो भाई थकावट तो बहुत भयंकर यार, बैग टांग टांग के ना शोल्डर दुख गए, अब भयंकर आ रहा थोड़ी आज थकावट। तो भाई साहब चलते हैं यहाँ से सीधा म्यूजियम की ओर।
कहाँ लगानी है? म्यूजियम में जाना है। ठीक है अंकल, थैंक यू भाई साहब। ये था अपना म्यूजियम का सीन, हो गया म्यूजियम देखकर। इतना कोई इंटरेस्टिंग लगा नहीं मुझे तो। ठीक है, तो पसीना पसीना हो गए पूरे पूरे वैसे भी। ठीक है, हो गया थोड़ा नाश्ता पानी, अब ठीक है यार, चलते हैं होटल की और थोड़ा रेस्ट करते हैं। और अगर नाइट में कहीं जाने का होता है तो फॉर श्योर आपको दिखाऊंगा कि अपन नाइट में कहाँ जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर इधर म्यूज़ियम में आते हो ना तो गाड़ी वगैरह सब आपको लगानी पड़ेगी इधर ही, मतलब गाड़ी तो बाहर पार्किंग में लगा देना। बाकी जो है अपना म्यूज़ियम के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। 30 रुपये ऑडियो सुनने के लिए इतना मुझे वर्थ इट नहीं लगा। ठीक है, देना मुझे 30 रुपये अच्छा नहीं लगा, मतलब वर्थ इट लगा ही नहीं कि यार 30 रुपये दो उस चीज़ के लिए। हाँ, बहुत सारे होते हैं जो इस चीज़ के शौकीन होते हैं कि हाँ हमें जानना बहुत कुछ है, बट अगर आप नॉर्मल देखने के हिसाब से अगर म्यूज़ियम में आपको तलवार वलवार ऐसी चीज़ें हैं तो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे सीरियसली। बाकी अच्छा है यार, जो कल्चर लवर हैं या नेचर, मतलब वो पुरानी चीज़ों के जो लवर्स होते हैं वो हैं, तो ठीक है उनके लिए तो बढ़िया हर चीज़ ही। चलते हैं अब 8th फ्लोर पर। चल लिफ्ट यहीं है। भयंकर थकावट हो रही है यार, पसीना पसीना हो रहा है, पूरा बॉडी पसीने में हो रहा है। चलो चलो चलो, बहुत धीरे चलती है लिफ्ट यार, बहुत धीरे चलती है। और इस बिल्डिंग में क्या है, अलग अलग ऑफिसेज हैं और 2 फ्लोर के अंदर होटल है। भाई साहब रात भर से एसी चल नहीं रहा था ना, तो मैंने अभी कंप्लेन मारा उसको, मैंने कहा रात में तो क्या परेशान कर रही है, तो अभी उसने बोला रूम चेंज करने का, देखते हैं कितनी देर में रूम चेंज करता है, क्योंकि फिर मुझे ये भी खुल रहे हैं यार, बहुत भयंकर पसीने में। तो भाई साहब भैया ने कर दिया है रूम चेंज, अपन ने पटक दिए यार सामान, अब बस करते हैं थोड़ा रेस्ट, खोलते हैं कपड़े लत्ते। तो भाई साहब थोड़ा रेस्ट हो गया था, सो गया था मैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद अब मैंने देखा एक दो वीडियोस देखा वडोदरा का, ठीक है यहाँ पर कुछ टमटम करके फेमस है, चलो वो भी खा के आते हैं कि देखते हैं गुजरात का टमटम कितना फेमस है। मतलब सुना है कि 25 तरह के उसमें फरसान मतलब नमकीन मिलाए जाते हैं, ठीक है उसके बाद उसका चाट बनाया जाता है, चलो बट देखते हैं चाट कैसा लगता है। ठीक है, बाकी तो रात में यहीं पे अगर कुछ होगा तो गुजराती थाली वहाँ खा रहे हैं, गुजरात के स्पेशल जो होता है गुजराती थाली, उसल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ फेमस फेमस है, क्या क्या खाऊंगा अकेला आज। तो बस ये है यहाँ पर अपना टमटम का मेरा मूड बना देख कर खाने का कि टमटम खाना चाहिए, तो जाता हूँ टमटम खा के आता। सब निकल चुके हैं टमटम खाने के लिए, टमटम चाट खाने के लिए। ठीक है, बाकी क्या है ना, क्या बोलते हैं अपना, अब सोच रहे होंगे यार ये बंदा जैकेट वगैरह पहन के निकलता है बार बार, सूट पहन के निकलता है, तो एक्चुअली सीन ऐसा है ना सूट पहनने का कि लोगों की नज़र में जल्दी आते हैं अपन। अगर अपन नॉर्मल क्या बोलते हैं अपना छड्डा टी शर्ट या जीन्स शर्ट में आ जाएंगे ना तो लोग समझेंगे कि ये तो नॉर्मल आदमी है यहाँ का लोकल, और उसमें क्या होता है उसमें लोग अपन को बार बार पूछते हैं कि भाई कहाँ से हो क्या हो, तो अपन को अप्रोच मिलती है यार कि हाँ बंदा बाहर से आया है, तो इसलिए मैं सूट वगैरह पहन के बार बार निकलता हूँ। बाकी मस्ती वाली जगह आएगी जहाँ मस्ती भी करेंगे, वहाँ ड्रेसेस भी चेंज होगी, सब कुछ होगा फॉर श्योर, जैसा जैसा रहेगा आपको दिखाऊंगा। अब तो यार बस वीडियो थोड़ा सा पॉज करते हैं और चलते हैं सीधा अपने वहाँ पर जहाँ क्या बोलते हैं अपना टमटम चाट खाने। चलो चलते हैं भाई साहब। ये टमटम वालों की ना बहुत सारी दुकानें खुली हुई है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पर लेके आया हूँ मैं आपको कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यही है, एज आई नो कि यही है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, बाकी फिर भी लेट्स सी, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। जिस तरह वीडियोस में देखा उस तरह लोगों की भीड़ यहाँ बाहर लगी हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद यही है श्री राम टमटम वाला। थोड़ी बहुत गुजराती आना लग गई तुम्हारा भाई को भी, लेट्स सी कैसा है। ऐसे कुछ परेशान है 50 रुपीज़ का यहाँ पे, क्या कह रहा है बोल, पूरा इंडिया घूमेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे, तो मतलब आप मतलब कितने दिन में पूरा इंडिया घूम लोगे?
जब तक होगा जब तक चलेंगे, तू भी चलेगा साथ में। राइड हैज बीन स्टार्टेड नाउ। इन बच्चों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई, तो चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। और वीडियो सारी देखना ठीक है, कंफर्म सब्सक्राइब करना। चलते हैं गेरोड़ पर चाय पीने, चलो आज देखता हूँ तुम्हारा कमेंट आता ही नहीं आता। ठीक है चलो बाय बाय बाय। चलो गाइस अच्छी मुलाकात हो गई बच्चों से, हम निकलते हैं गेरोड रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए। यहाँ का चाय और मस्का बन बहुत टेस्टी बताया, यमी बताया, तो देखते हैं वहाँ का कैसा रहता है। और मुझे छींटे फील हो रहे हैं बारिश के, मत आना बारिश मत आना प्लीज़। टमटम चाट का मैं बताना भूल गया, वो 50 रुपये का प्लेट था, मिनिमम 50 रुपये का लेना होता है। अब भाई साहब 50 रुपये का ऐसा था कि लाइक आपका पेट फुल हो जाएगा, ठीक है एक जने के लिए सफिशेंट है। बाकी नमकीन तो सारी 25 तरह की नमकीन मिली हुई थी यार, मतलब दो तीन तीन दाने थे, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छा था उसका, टेस्ट बहुत अच्छा था उसका। अब चाय पीने के लिए जा रहा हूँ मैं 6 किलोमीटर दूर, वाह ऐसी चाय की, लेट्स रेडी टू फाइट। सामने स्टेशन रोड, चलो चाय पीते हैं, रिव्यू तो क्या देंगे, पीते हैं और चलते हैं यहाँ से। चाय और ये मस्काबन, चाय तो टेस्टी है ठीक है, मस्काबन खाते हैं, रिव्यू तो नहीं करेंगे, अब खाते हैं पीते हैं चलते हैं। तो भाई साहब हो गया आज का दिन पूरा ख़त्म, अब थोड़ा सा आधा एक घंटा थोड़ा काम करते हैं, लिखना विखना जो अपना करना है वो करते हैं, उसके बाद इस ब्लॉग को अभी एंड करता हूँ कि मुझे खाना भी खाना है, एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अकेले हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है आप जानते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कमियां हो रही हैं प्लीज़ उनको कमेंट में बता देना यार कि भाई शोएब भाई चीज़ को थोड़ा सुधार लो यार, तो उसको अपन सुधार लेंगे। बाकी यार एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लान ट्रीज सेव लाइफ का जो स्लोगन है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, और जो मैं कर रहा हूँ प्लीज़ आप भी करना यार। तो बस थैंक यू सो मच गाइज़।